नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना रेसिपी में आज मेथी का पराठा बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है और जाड़े में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। एक कटोरी बेसन ले लिया, उसमें एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, अजवाइन, नमक, हींग, ये सब चीज़ें डाल दी है। और जितना हम बेसन लिया इक्वली उतना ही हम आटा ले लेंगे, दोनों को मिला के, और उसमें कम से कम 2 कटोरी के करीब कटी हुई मेथी डालेंगे। उससे उसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है और ब्रेकफास्ट में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो देखिए कैसे उसका करना है। तो मैं इसमें मेथी डाल रही हूँ, इसमें मेथी मैं डाल रही हूँ, कटी हुई बारीक मेथी आप डालिए, और जाड़े में वैसे भी मेथी आती है और फायदेमंद होती है। तो 2 कटोरी के करीब मैंने मेथी डाली है, और इसमें 1 कटोरी बेसन, अदरक लहसुन, अजवाइन, हींग, नमक और हरी मिर्च। और देखिए कैसे बनाना है। अब इस तरह से एक डो बना लेना है, जैसे कि हम रोटी या पराठे का डो बनाते हैं उसी तरह से ये डो बन जाएगा, और उसके बाद आप गोल गोल पराठे बना लीजिए। ये देखिए मेरा डो बन के तैयार हो गया है, मेथी बेसन और आटे का, और जैसे रोटी का आटा बनता है वैसे ही मैंने सान लिया है। अब इसके पराठे गोल गोल बेल के और धीमी आंच में करारे सेक लूँगी और उसे सर्व करूँगी। आप मीठी चटनी के साथ, दही के साथ, आलू टमाटर की सब्जी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब ये मेथी के पराठे मैंने बेल लिए और बेल के और दोनों तरफ से सेक के, आप चाहे घी से चाहे रिफाइंड से सेकिए, और चटनी के साथ या आलू टमाटर की सब्जी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी लाजवाब मेथी के पराठे। ये देखिए इतने बढ़िया पराठे बन के तैयार हुए हैं। एक बार बना के देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को।